हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। उस रेसिपी का नाम है मीठी लस्सी, जो ठंड में मतलब गर्मी में बहुत अच्छी होती है। और आजकल तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपी। तो ये सब बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए चीनी एंड इलायची। इलायची सिर्फ एक चाहिए एंड उसका छिलका जो है हमें अलग करना है। सो मैंने कूट के इलायची अपनी छाछ के अंदर ऑलरेडी डाल ली है। इसको बस मैं अच्छे से पहले मिक्स कर देती हूँ। ओके, अब हम मिक्सी में नहीं चलाना है इसको बिल्कुल भी। इसको बस आपको सिंपली ऐसे ऐसे इसको धीरे धीरे करके कूटते जाना है, ऐसे घुमाते जाना है, यूं कूटते जाना है। अगर आपके पास ये कूटने वाला ना हो तो आप ग्राइंडर में मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास हो, मतलब ये कूटने वाला हो, तो आप प्लीज़ मिक्सर ना यूज़ करें, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वाओ, थोड़ी सी एक इलायची का छोटा टुकड़ा मैंने इसमें डाल रखा है। इसको टाइम लगता है थोड़ा कूटने में, कूटने के बाद दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम ले लेते हैं एक छलनी। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे छलनी ले ली है। इसको हम अपने ग्लास के ऊपर रखेंगे कि लाइक दिस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पीसेस हैं। डालेंगे हम इसके अंदर से जितने भी वो है पाउडर, उस सारे को हम निकाल देंगे। और अब इसमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं है, ये अच्छे से भी पाउडर नहीं हुई है, तो हम इसको थोड़ी देर और छानेंगे, थोड़ी देर और कूटेंगे। इसको कूटने में फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, एकदम से ये नहीं बन जाती है कि बच्चों को इमीडिएटली चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको अभी बता देती हूँ। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं डालने वाली हूँ मसाला लस्सी के बारे में। और मसाला लस्सी तो यूँ झट से चुटकी बजाती एक सेकंड में बन जाती है। ओके, बना सकते हैं क्योंकि एकदम सिंपल है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये अच्छे से हो गया है पाउडर। और मुझे चाहिए एक स्पून, क्योंकि ये नीचे चिपक जाता है, इसको हम ज़्यादा कूटते हैं, तो इसलिए हम नीचे से इसको हटाएंगे। और फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे? यस, तो फ्रेंड्स अब हम ने नीचे से निकाल लिया है। अब हम छलनी डालकर छानेंगे अच्छी तरीके से। ओके फ्रेंड्स, जब अच्छे से डाल जाएगा तब दिखाऊंगी मैं आपको अच्छे से। अब मैंने अपनी लस्सी के अंदर पाउडर्ड शुगर अच्छे से डाल दी है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिलाने का तो बहुत चक्कर होता है, इतने मिलाते रहो मिलाते। ओके, तो फ्रेंड्स अब हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए बादाम। एंड बादाम, यू हैव बादाम ना? क्योंकि बच्चों को बादाम देना बहुत ज़रूरी होता है, वेरी जरूरी। सो अब मैं निकाल लेती हूँ बादाम। सो फ्रेंड्स, अब मैंने बादाम ले लिए हैं। बादाम की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। ओहो, थैंक यू। उससे मैं लूज़ करवा के लगती हूँ इसका डब्बा, ताकि मैं जब भी रेसिपी बनाऊँ पड़ा रहे।
सो इसको हम कूटने वाले में नहीं लेंगे। और मैंने आपको जैसे कि कहा कि मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी, सो क्वांटिटी में हमें चाहिए 2 बादाम, आप चाहे तो 1 भी कर सकते हैं। सो आपके पास जिससे अपन वो खिसते नहीं है, अदरक, चाय के लिए अदरक खिसते हैं, वो निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स ऐसे तो मैं घर का चप्पा चप्पा जानती हूँ, हर एक चीज जानती हूँ, बट यार फ्रेंड्स मुझे मिली नहीं रहा, इसलिए इसमें करना पड़ेगा। और तब बिखेरा कर दिया है मैंने यहाँ पे, माय गॉड, चीनी गिरा दी, छाछ गिरा दी, क्या क्या गिरा दिया मैंने, आज तो पक्का मार पड़ेगी। इसको बढ़िया से कूटेंगे, समर का मौसम स्टार्ट हो गया तो अब मैं कुछ भी गर्म चीज की मैं डालूंगी नहीं वीडियो, अगर डाल दूंगी ठीक है डालूंगी। और हाँ फ्रेंड्स अब सिर्फ मैं गर्मियों की ड्रिंक्स के वीडियो डालूंगी, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। सो बादाम भी हमारे पाउडर हो गए हैं। अब हम अच्छे से इसके अंदर का निकाल के ऊपर से गार्निश कर देते हैं। बादाम बहुत ज़रूरी है रेसिपी के लिए और खूब सारी मुँह में आते ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्ट्रॉ तो बहुत रिक्वायर है, स्ट्रॉ ना भी हो तो भी चलेगा, आप यूज़ कर सकते हैं चम्मच, चम्मच से लाइक फालूदा खा सकते हैं इसको जा कर दिए। सो फ्रेंड्स अब मैं ले आती हूँ स्ट्रॉ, माय स्ट्रॉ फ्रेंड्स यार, वाओ पीके देखती हूँ। पर अब फ्रेंड्स ये बिखेरा हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत मार पड़ने वाली है इसलिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसी बनी है, अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कैसी लग रही है फ्रेंड्स, अच्छी लग रही है ना। सो फ्रेंड्स बाय बाय, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।